हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस के टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट 16 है और इससे पहले मैंने दो पार्ट डाले इसके 16 के। ये ज्योग्राफी के टेस्ट है, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सो आज हम यहाँ पे जो नियर अबाउट 30 क्वेश्चन करेंगे और मतलब ये टेस्ट हाफ हो जाएगा, क्लब कवर हो जाएगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसे फिनिश करने की। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक आता है सो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट मेरे कनेक्शन में रह सकते हो, ठीक है। और आप मुझे यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये मेरा UPI है 7020454708, UPI और पेटीएम दोनों ही है यहाँ पे, ठीक है। और ये बैंक डिटेल्स है, ठीक है, UPI और ये बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। कुछ कंपल्शन नहीं है, बट आप अपने हिसाब से जो भी आपसे बनता है सो ये हेल्प होंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं आपको, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। कंटिनेंटल पार्ट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट इज़ थीकर दैन द ओशनिक पार्ट ऑफ द प्लेट। सो हाँ, ये सही है, फर्स्ट सही है इसका। व्हेन द कंटिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट कोलाइड द कंटिनेंटल प्लेट इज़ ऑलवेज ओवररिडन बाय द ओशनिक प्लेट। नहीं, ये गलत है। एंड जो थर्ड है ऑप्शन, 2004 का जो सुनामी आया था इन द इंडियन ओशन वॉज कॉज ड्यू टू द सबडक्शन ऑफ द इंडियन प्लेट बीनीथ द बर्मा प्लेट। ये भी सही है। सो 1 and 3 सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही है, ठीक है। 21 का 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, वाई डू लैंडस्लाइड एंड डेब्रीज एवलेंची ओकर्स फ्रिक्वेंटली इन द नीलगिरीज। ऐसे फ्रिक्वेंटली क्यों आते हैं नीलगिरीज में, ठीक है। सो इट इज़ टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है इट इज़ टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, सेकंड है द स्लोप स्टीफ, उसके बाद में यहाँ पे थर्ड है नीलगिरीज आर मोस्टली कंपोज ऑफ द सेडिमेंटरी एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट, फोर्थ है मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक इज हाई। सो 2 and 4 इसका सही है, द स्लोप ऑफ द आर स्टीफ होते हैं एंड मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इज हाई, इसकी वजह से जो लैंडस्लाइड एंड डेब्रीज एवलेंची ओकर होते हैं फ्रिक्वेंटली इन द नीलगिरीज, सो इसकी वजह से आते हैं, ठीक है। 2 and 4 इसका सही है, 22 का भी है, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, कौन कौन सी रिवर यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बहती है। सो केन रिवर बहती है एंड चंबल रिवर बहती है, महानंदा नहीं बहती है, ठीक है। सो ये गलत है, ऑप्शन बी इसका सही है, 23 का, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम बाद में डिटेल में, ठीक है, ये पूरे 30 क्वेश्चन होने के बाद में, सो डोंट वरी अबाउट इट। 24 पर आते हैं। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। कौन कौन से जो यहाँ पे नीचे दिए गए बैंक हैं वो अटलांटिक ओशन में है। सो डॉगर बैंक है, ग्रैंड बैंक है, टेलीग्राफ प्लेटू है एंड सारगासो सी है, ठीक है, लेकिन 4 नहीं है, ये डिमांटिना ट्रेंच नहीं है, ठीक है, 4 नहीं है। इसका सही आंसर है 24 का 1, 2, 3, 5, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 25th क्वेश्चन पर आते हैं। विच व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस इफ द अर्थ एक्सिस इज वर्टिकल इंस्टेड ऑफ द इंक्लाइंड, दो ऑप्शन दिए आपको करेक्ट बताना है। देर वुड हैव बीन नो सीजन, ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब वुड हैव इक्वल डे एंड नाइट एट ऑल द टाइम ऑफ द ईयर, ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं अर्थ एक्सिस इज वर्टिकल इंस्टेड ऑफ इंक्लाइंड होने के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ओशनिक वेव से रिलेटेड, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, करेक्ट बताना है। वेव्स आर ऑस्किलेटरी मोमेंट दैट रिजल्ट इन द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर सरफेस एंड जो मोमेंट ऑफ ईच वाटर पार्टिकल इन द वेव इज टू एंड फॉर्म ऑफ द इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो ऑप्शन 1 सही है, वेव ऑफ द ऑस्किलेटरी मोमेंट इन द रिजल्ट इन द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर सरफेस, ये सही है। जो मोमेंट ऑफ द ईच पार्टिकल वेव्स इज टू एंड फॉर्म इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये गलत है, ठीक है। 26 का ए सही है, ठीक है, ओनली 1। 27 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, दो सेंटेंस दिए हैं। एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर इज़ अ हायर ओवर द इक्वेटर एंड लोअर ओवर द पोल्स, ये सही है। उसके बाद में द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोपोज इज़ अ हायर ओवर द इक्वेटर इज़ लोअर ओवर द पोल्स, ये गलत है, ठीक है। 27 का ए सही है, ठीक है, ओनली 1।
उसके बाद में 28 पर आते हैं, आर इन द फॉलोइंग माउंटेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर लेंथ। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने सबसे बड़ा है रॉकीज़ है, उसके बाद यहाँ पे द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उसके बाद में यहाँ पे विराल माउंटेन है, उसके बाद में अल्प्स है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 2314, सो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। और 29 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सलाइनिटी इन द ओशन। सो कौन से मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं सलाइनिटी इन द ओशन, सो प्रेसिपिटेशन ये सही है, ओशन करंट भी करता है, वाइंड भी करता है, एंड फ्रीजिंग ऑफ द वाटर ये भी करता है। सो ऑप्शन डी इसका सही है, 1, 2, 3 एंड 4 29 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30 क्वेश्चन पर आते हैं, 30 जो रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ अ इफेक्ट ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो अर्थ का रोटेशन होता है अफेक्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए और आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द डे एंड नाइट, डिफ्लेक्शन ऑफ द ओशन करंट, स्पेराइडोयल शेप, जैसा शेप होता है ना अर्थ का, ऐसा शेप होता है, ऐसा गोल नहीं होता है, ठीक है, स्पेराइडोयल शेप होता है। फॉर्मेशन ऑफ द हाई टाइड एंड लो टाइड्स, सो ये चारों जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, रिसेंटली लेजिस्लेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास रेजोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द 3 न्यू ऑटोनोमस काउंसिल, नेमली मोरान, मोटोक एंड कामटापुर ऑटोनोमस काउंसिल। सो ये आसाम की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, ठीक है। फ्रिजिड जोन इज कैरेक्टराइज बाय मोर ऑब्लिक सन रेज थ्रू आउट द ईयर एंड फ्रिजिड जोन इज अ लेंथ एंड द डे ऑफ द नाइट आर 6 मंथ ड्यूरेशन होता है। सो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस सही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल विंड्स, वेरिएबल विंड्स की बात हो रही है। सो वेरिएबल विंड्स आपको करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे मानसून है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज है, एंड लैंड एंड सी ब्रिज है, ठीक है। सो 2, 4 एंड 5 ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है, 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिवर इंडस, रिवर इंडस के बारे में यहाँ पे आपको सही बताना है, करेक्ट बताना है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कैलाश माउंटेन रेंज, हाँ ये सही है। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो तिब्बत, इट इज़ नोन एज यारलोंग सांगपो, सो ये गलत है, यारलोंग सांगपो नहीं बोलते हैं, यहाँ पे रिवर इंडस की बात हो रही है। और सतलज इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, सो ये सही है, 1 एंड 3 इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही है, 34 का, ठीक है। ये यारलोंग संगपो ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं, ठीक है। 35 का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सलाइन सॉइल से रिलेटेड, आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दे करेक्ट बताना है, ठीक है। दे ओकर इन बोथ एरिड एंड स्वैम्पी एरियाज एंड एक्सेसिव इरीगेशन इंक्रीजेज सलाइनिटी इन द सॉइल, सो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर आते, विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। इट्स एम टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट सॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, इट हैज़ बीन लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ द G20। सो दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द गंगा रिवर सिस्टम से, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अलकनंदा एंड भागीरथी आर द टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, हाँ ये सही है। द गंगा एंटर्स द प्लेन एड्डा देवप्रयाग, ये गलत है। उसके बाद में यमुना एंड गंदक एंड सन आर इट्स राइट बैंक टिगोटरी, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसका सही आंसर है, ऑप्शन 1 सही है, 37 का, ठीक है, ऑप्शन 1। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो डॉग है ना, कुत्ता, सो वो थोड़ा वॉइस कर रहा है ना, आजू बाजू में शोर कर रहा है, सो उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। रिगार्डिंग द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा यूजिंग द हबल स्पेस टेलीस्कोप, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर द हेलो अराउंड द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे नॉट करेक्ट है। सो यहाँ पे इट इज़ द क्लोजेस्ट लार्ज गैलेक्सी टू द मिल्की वे, हाँ ये सही है। इट इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ थ्रू द नेक्ट, ये भी सही है। इट इज़ स्पायरल इन शेप लाइक अर्थ, ये भी सही है।
बट जो डी ऑप्शन है इट हैज़ अ वायरल मास 100 टाइम्स दैट ऑफ द मिल्की वे, ये गलत है। तो यही हमारा आंसर है 39 का, 39 पर आते हैं। इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोकल विंड नेम मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बताना है। सो मिस्ट्रल की बात हो रही है ये, इट इज़ अ कोल्ड वाइंड ब्लोविंग फ्रॉम द अल्प्स टूवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन वन सही है। जो रोन वैली है हैज़ फनलिंग इफेक्ट ऑन द मिस्ट्रल, ऑप्शन टू भी सही है, ठीक है। सो बोथ वन एंड टू यहाँ पे सही है, 39 का सी है। इसके बाद यहाँ पे विद रेफरेंस टू द टेम्परेट साइक्लोन के बारे में यहाँ पे दो सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट बताना है। प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद द वार्म फ्रंट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये गलत है। प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद द कोल्ड फ्रंट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द थंडर शोवर, ये सही है। ऑप्शन टू यहाँ पे सही है, बी सही है 40 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 41 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉपिकल डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट है द ट्रॉपिकल डिप्रेशन आर सेंटर ऑफ द लो प्रेशर सराउंडेड बाय द मोर देन वन क्लोज्ड आइसोबार, ये सही है। और उसके बाद में डेवलप इन द ट्रेड विंड बेल्ट, ये गलत है। देर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी आर हाईली वेरिएबल, ये भी सही है। 1 and 3 सही है, ऑप्शन सी इसका सही है 41 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 42 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर इन्वर्जन आर करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। फ्रंटल इन्वर्जन इज कॉज इन द टेम्परेचर जोन, ये सही है। इन द फ्रंटल इन्वर्जन द इन्वर्जन लेयर इज ऑलवेज स्लोपिंग, ये भी सही है। ड्यू टू द वैली इन्वर्जन लोअर पार्ट ऑफ द वैली आर इनहेबिटेड बिकॉज ऑफ दे आर फ्री फ्रॉम द फर्स्ट, ये गलत है। ऑप्शन 1 and 2 यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए सही है 42 का, ठीक है। उसके बाद 43 पर आते हैं, यहाँ पे पैसेज दिए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वो पैसेज। यहाँ पे पैसेज में क्या बोला है, दिस विंड्स बिकेम एक्सट्रीमली ड्राई बिकॉज देयर जर्नी ओवर द सहारा डेजर्ट, द वेदर बिकम सडनली ड्राई एंड प्लीजेंट एट द अराइवल ऑफ दिस विंड एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज रिमार्केबली रिड्यूस ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड हाइपर एरिडिटी, सॉरी दिस इज वाई इट इज़ नोन एज अ डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड, ये ध्यान में रखना। ये किसकी बात हो रही है, ये हार्मन्टन की बात हो रही है, ठीक है, हार्मन्टन ध्यान में रखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको दो सेंटेंस दें, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। फर्स्ट है लूनार इक्लिप्स ऑकर्स ओनली वेन द सन एंड मून आर लोकेटेड अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ, ये सही है, ठीक है। उसके बाद में इफ द मून ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज नॉट टिल्टेड कम्पेयर टू द अर्थ ऑर्बिट लूनार इक्लिप्स वुड ऑकर एवरी मंथ, ये भी सही है। बोथ 1 and 2 यहाँ पे सही है 44 का। उसके बाद यहाँ पे 45 पर आते, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल जोन की बात हो रही है, डोल्ड्रम है, इक्विटोरियल वेस्टर्लीज है, ट्रेड विंड है। सो तीन यहाँ पे सही है, करेक्ट पूछा था आपको, ठीक है। 45 का ऑप्शन डी है 1, 2 and 3, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रॉपिकल जोन की, डोल्ड्रम्स, इक्विटोरियल वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स, ध्यान में रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर आते, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी कैप्ड इंसेंटिवाइज किया अंडर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम MEIS, जिसे बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम। सो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट है यहाँ पे इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द फॉरन ट्रेड पॉलिसी FTP फॉर द पीरियड ऑफ 2015 से लेकर 2020, सो ये सही है। उसके बाद में इट एम्स टू इंसेंटिवाइज एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, ये गलत है। और ये थर्ड है इट प्रोवाइड्स द ड्यूटी क्रेडिट शिप टू मर्चेंट विच कैन बी यूज टू पे द कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज फॉर सर्टन गुड्स, 1 and 3 इसका सही है, ठीक है। 46 का सी सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 47 पर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सुनामी, सुनामी की बात हो रही है यहाँ पे, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तीन सेंटेंस दिए हैं, दे आर कॉज्ड बाय द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशन प्लेट, ये सही है। स्पीड ऑफ द सुनामी वेव डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर, ये भी सही है। द इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी वेव इज लेस इन द मिड ओशन कंपेयर टू द कोस्ट, ये भी सही है, ठीक है, कोस्ट में कम होता है। सो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, 47 का 1 है 1, 2 and 3 ए। 48 पर आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, करेक्ट बताना है आपको, तीन ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, द साइन ऑफ द लैटिट्यूड, द मास ऑफ द मूविंग बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द विंड, सो तीनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका सही है 48 का 1, 2 and 3। उसके बाद यहाँ पे 49 पर आते हैं, यहाँ पे आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट पार्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का कौन सा पार्ट नहीं है, सो 1, 2 and 3 लैटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, ये क्या है, ये बाल्टिक कंट्री है आई थिंक, यस, हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखेंगे। और जो नॉर्वे, स्वीडन है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना।
उसके बाद यहाँ पे 49 पर ऑप्शन बी था 1, 2 एंड 3 इनकरेक्ट पूछा था आपको। 50 पर आते हुए जब द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द वल्केनिक एक्टिविटी, वल्केनिक एक्टिविटी की बात हो रही है, करेक्ट बताना आपको, ठीक है। ओशन ओशन कन्वर्जन बाउंड्री, हाँ ये सही है। कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री, ये गलत है। ओशन कंटिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये सही है। एंड उसके बाद में ओशन ओशन डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये भी सही है। 1, 3 एंड 4, ठीक है। 50 का 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी इसका सही है। सो 51 से नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में लेकर जाता हूँ, ठीक है। सो ये 21 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। टेक्टोनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं, ये मासिव होती है, इरेगुलर होती है शेप। स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज ऑफ द बोथ कंटिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर। जो कस्ट अंडर द कंटिनेंट इज मच थिकर होता है ना, और जो ओशन का होता है थिन होता है, मतलब पतला होता है। ओशनिक एंड कंटिनेंटल प्लेट कोलाइड होते हैं, इवेंचुअली ओशनिक प्लेट इज सबडक्टेड अंडर द कंटिनेंटल प्लेट। उसके बाद में यहाँ पे डिसम्बर 26 को आया था 2004 में, इंडियन प्लेट वॉज सबडक्टेड बिनीथ द बर्मा माइक्रोप्लेट, उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। जो नीलगिरीज आर रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल है एंड मोस्टली मेडअप ऑफ द वेरी हार्ड रॉक्स एंड स्टील डेबरीज, एवलंचेस एंड लैंडस्लाइड आर ओकर इन दिस हिल्स। उसके रीज़न बताइए, मेनी स्लोप्स आर स्टीपर है। उसके बाद में यहाँ पे मैकेनिकली वेदरिंग ड्यू टू द थर्मल चेंजेस इन रेंजेस इज प्रोनाउंस होते हैं और रिसीव्ड हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर द शॉर्ट पीरियड, उसकी वजह से ये यहाँ पे लैंडस्लाइड आते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिवर के बारे में दिया है क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्लेनेशन है महानंदा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रेजिंग इन द दार्जिलिंग हिल। उसके बाद में यहाँ पे चंबल ये राइज होती है मो इन द मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केन रिवर ये ओरिजिनेट होती है अहिरगांव विलेज नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप ऑफ द कैमूर हिल्स इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये इतना ध्यान में रखना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डॉजर बैंक क्वेश्चन नंबर 24 का एक्सप्लेनेशन में आते हैं। डॉजर बैंक इज़ अ लार्ज सैंड बैंक है इन द शैलो एरिया ऑफ द नॉर्थ सी। अब नॉर्थ सी इज़ द सी ऑफ द अटलांटिक ओशन लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ऐसी कंट्री इसके आसपास में है। अबाउट 100 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है। अब ग्रैंड बैंक ऑफ द न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है इन द अटलांटिक ओशन में, सीरीज है अंडर वाटर प्लेटू साउथ ईस्ट ऑफ द आइलैंड न्यू फाउंडलैंड ऑन द नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंटल शेप, ये भी ध्यान में रखना। टेलीग्राफ प्लेटू इज अ रीजन है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। उसके बाद में यहाँ पे डायमंटीना ट्रेंच है सिचुएटेड इंडियन ओशन में, ठीक है। सो ये अलग अलग लोकेशन ध्यान में रखना, समटाइम प्लेसेस इन न्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है। अब सरगासो सी ये रीजन है अटलांटिक ओशन में, बाउंड बाय द 4 करंट फॉर्मिंग इन ओशन गायर, अनलाइक अदर ऑल अदर रीजन्स आर कॉल्ड सीज, इट हैज़ अ नो लैंड बाउंड्रीज, ठीक है, लैंड बाउंड्रीज नहीं है इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 के एक्सप्लेनेशन में आते हैं। अर्थ एक्सिस रोटेशन इंक्लाइंड है ना 23rd, आपको पता होगा ये 23.5 degree फ्रॉम द परपेंडिकुलर। उसके बाद यहाँ पे 26 पर आते हैं। द साइज एंड फोर्स ऑफ द सी डिपेंड करता है 3 factor में, वेलोसिटी ऑफ द विंड, लेंथ एंड टाइम ऑफ द विंड ब्लो एंड डिस्टेंस दैट विंड आर ट्रैवल अक्रॉस द ओपन सी, दिस इज कॉल्ड फेच। सो ये आपको पता होना चाहिए, 3 factor होते हैं, साइज एंड फोर्स ऑफ द सी वेव, जो वेव्स होती है ऐसी, ठीक है। उसके बाद में ट्रोपोस्फीयर के बारे में दिया है। लोअर मोस्ट लेयर होता है, ऑल ऑफ द वेदर फिनोमेना यहाँ पे होते हैं, फॉग, क्लाउड, ड्यू, फ्रॉस्ट, रेनफॉल, हिल स्टॉर्म, स्टॉर्म्स आते हैं, क्लाउड थंडर आते हैं, लाइटनिंग, ये सभी ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, ओकर इन दिस लेयर, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कौन से लेयर में क्या क्या होता है, ठीक है। और हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल डिक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर इज लोवेस्ट ओवर द इक्वेटर होता है, और रिलेटिवली हाई होता है पोल्स के तरफ, ये हाई होता है टेम्परेचर। उसके बाद 28 पर आते हैं। 28 में यहाँ पे दिया है कौन कौन से माउंटेन है, एवलांची, रॉकीज, ये एंडीज है साउथ अमेरिका में, अटलास है अफ्रीका में, अल्प्स है यूरोप में, यूराल है रशिया और ये यूरोप और रशिया के जो बॉर्डर है वहाँ पे, अल्टाई है, कुंदलून है, हिमालयाज है और इथोपियन हाईलैंड है, ये ड्रेकन्सबर्ग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। सो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फॉलोइंग प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, एंडीज है साउथ अमेरिका में, ये 7000 किलोमीटर सबसे बड़ी है। उसके बाद में यहाँ पे ये एंडीज है, ठीक है, लेंथ इसकी दी है। और रॉकीज
यूएस में है, ये 4000 के आसपास है। उसके बाद में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। सो ऐसे डिक्रीजिंग फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए और कौन से कंट्री में। उरियाल माउंटेन ये 2500 किलोमीटर की है, अटलस माउंटेन ये 2500 किलोमीटर की, अपलेंचियन माउंटेन ये 2400 के आसपास है, एंड हिमालयन 2400 किलोमीटर के आसपास है, अल्टाई माउंटेन्स 2000, वेस्टर्न घाट 1600, अल्प्स 1200। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितना है इसका लेंथ वगैरह है। अब यहाँ पे 29 पर आते हैं। सलाइनिटी इस टर्म यूज टू डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट इन द सी वाटर, ये डिफाइन करता है जो टोटल कंटेंट होता है डिजॉल्व सॉल्ट इन द सी वाटर। सलाइनिटी 24% पीपीटी होता है, हैज बीन कंसिडर एज द अपर लिमिट ऑफ द डिमार्केट ब्लैकिश वाटर के लिए। फैक्टर्स अफेक्ट कौन कौन से है ओशन सलाइनिटी के लिए यहाँ पे दिए। द सलाइनिटी वाटर इन द सर्फेस लेयर ऑफ द ओशन डिपेंड करता है मेनली ऑन द इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जो सर्फेस सलाइनिटी होता है ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है इन द कोस्टल रीजन ऑफ बाय द फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम द रिवर एंड इन द पोलर रीजन बाय प्रोसेसिंग फ्रीजिंग एंड थॉविंग ऑफ द आइस। विंड आल्सो इन्फ्लुएंस करता है सलाइनिटी ऑफ द एरिया ट्रांसफर वाटर इन अदर एरियाज के लिए। ओशन करंट कंट्रीब्यूट करता है सलाइनिटी वेरिएशन, सलाइनिटी टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटर रिलेटेड। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सलाइनिटी, सलाइनिटी ऑफ द ओपन सी हाई सलाइनिटी फाउंड होता है नियर द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, दिस इज ड्यू टू द एक्टिव इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ज़्यादा होता है इक्वेटर के पास में, है ना, क्योंकि डायरेक्टली सनरेज पड़ते हैं इक्वेटर के पास में, ऐसा यहाँ पे इक्वेटर के पास में। सो यहाँ पे सलाइनिटी ज़्यादा होती है ऐसा बोला है यहाँ पे। एंड ओविंग टू द क्लियर स्काई इज हाई टेम्परेचर होता है, स्टेडी ट्रेड विंड भी बहते हैं। ठीक है, सलाइनिटी लो होता है एट इक्वेटर, दिस देयर इज अ वेरी सॉरी मैंने इंटरचेंज कर दिया। क्या होता है कि ये ऐसा इक्वेटर है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सो वहाँ पे सलाइनिटी हाईएस्ट होती है, बट सलाइनिटी इज़ लो एट द इक्वेटर। देर इज़ अ वेरी हैवी रेनफॉल होता है एंड बिग रिवर लाइक अमेजोन एंड जेयर ब्रिंग लार्जेस्ट क्वान्टिटी फ्रेश वाटर होता है यहाँ पे। जैसे इक्वेटर पे ज़्यादा बारिश होती है, सो उससे क्या होता है, बारिश मतलब वो फ्रेश वाटर होता है ना, सो उससे क्या होता है सलाइनिटी कम हो जाती है इक्वेटर के पास में, लेकिन हाईएस्ट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के तरफ। सो इतना फैक्ट ध्यान में रखना, आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सलाइनिटी ऑफ द पर्टिकुलर क्लोज सी हाई रेट होता है, इवेपोरेशन एंड एब्सेंस ऑफ द लार्ज रिवर होता है। बाल्टिक सी इज एक्सट्रीमली लो है और सलाइनिटी एनक्लोज होता है सी एंड लेक्स में। एक्सेप्शनली हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सलाइनिटी होता है यहाँ पे डेड सी ग्रेट सॉल्ट लेक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे दिया है, अर्थ रोटेशन हैज़ लार्ज नंबर ऑफ द इफेक्ट होता है एवरीडे लाइफ। मेन इफेक्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द डे एंड नाइट, कंसेप्ट ऑफ द टाइम, डिफेक्शन ऑफ द विंड एंड ओशन करंट। उसके बाद में यहाँ पे स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ है, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइड्स हैं, इससे होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 31 पर आते हैं। रिसेंटली आसाम ने असेंबली ने पास किया है क्रिएशन ऑफ द 3 ऑटोनोमस काउंसिल विच इंक्लूड मोरान, मोटोक एंड कामटापुर ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, सो यहाँ पे जो मोरान ऑटोनोमस काउंसिल बिल है 2020 का, और यहाँ पे जो काउंसिल बिल है अलग अलग यहाँ पे दिए। ठीक है, सब पॉलिटिकल का क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। यहाँ पे फ्रिजिड एक्सटेंडिंग बिटवीन द 66.5 डिग्री लेटिट्यूड एंड द पोल्स इन द बोथ द हेमिस्फीयर इज कैरेक्टराइज बाय द मोर ऑब्लिक सनरेज थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे सनरेज थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं एंड लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज मोर देन 24 आवर्स होते हैं। 33 पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द विंड यहाँ पे दिए। विंड ब्लोविंग होता है ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, जिसे प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड बोलते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनवेरिएबल प्लैनेटरी विंड बिकॉज इन्वॉल्व लार्ज एरिया ऑफ द ग्लोब होते हैं। ऑन द अदर हैंड विंड्स विद सीजनल चेंज इन देयर डायरेक्शन आर कॉल्ड सीजनल विंड होते हैं, एग्जाम्पल मानसून विंड। ठीक है, और जो विंड आर क्लासीफाइड इन टू द ब्रॉड कैटेगरीज, परमानेंट विंड होते हैं इन और इनवेरिएबल विंड्स और प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं। जो ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिवेलिंग विंड एंड इनवेरिएबल विंड और परमानेंट विंड बोलते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल है। और उसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल विंड विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सीजनल विंड, लोकल विंड, माउंटेन एंड वैली ब्रिज एंड लैंड और सी ब्रिज एट्सेट्रा। 34 पर आते हैं। इंडस जिसे सिंधु बोलते हैं, ये वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर है, ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ग्लेशियर फ्रॉम द वोकारचू। यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड का रेंज दिया है और तिब्बतन रीजन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 इन द कैलाश माउंटेन रेंज इन तिब्बत। इट इज़ नोन एज अ सिंगी
खम्बन, सिंगी खम्बन बोलते हैं, और यारलुंग सांगपो इज़ द अपर स्टेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, लोकेटेड है तिब्बत में। सतलज रिवर के बारे में, ओरिजिन कहाँ से होता है, ये रक्षक ताल नियर द मानसरोवर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4555 तिब्बत, वेयर इट इज़ नोन एज अ लंगचिंग कामबाब, लंगचिंग कामबाब बोलते हैं, एंड फ्लो होता है ऑलमोस्ट पैरल टू द इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया एंड कम्स आउट ऑफ द जॉर्ज एट द रूपार। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर इंडस की, ठीक है। और यहाँ पे 35 हमने डिस्कस किया था, उसके बाद यहाँ पे 36 पर आते हैं। टू इनिशिएटिव रिसेंटली अभी लॉन्च किए गए एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग G20 में, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, इसका एम है स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन विद इन द 20 मेंबर्स स्टेट्स एंड ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म, ये भी यहाँ पे किया था। और यहाँ पे 37 पर आते हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी आर द टू स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा की है, जो गंदक इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वाइल द यमुना एंड सोन आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 38 पर आते हैं, जो विरियल मास होता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एज द नेट ऑफ द मिल्की वे, ये 1 ट्रिलियन सोलर मासेस है इसका, ठीक है। मिस्ट्रल के बारे में हमने पढ़ा था, इज़ द वन ऑफ द लोकल नेम्स है गिवन दोज विंड्स ब्लो फ्रॉम द अल्प्स ओवर द फ्रांस टूवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी, फ्रांस से बहते हैं मेडिटेरेनियन सी तक, ठीक है। और ये यहाँ पे फिनलिंग इफेक्ट होता है इसका, और इट इज़ वेरी कोल्ड ड्राई हाई स्पीड होता है, इट्स ब्रिंग ब्लिजर्ड इन टू द सदर्न फ्रांस, इट इज़ हार्मफुल विंड होते हैं, ये हार्मफुल है। उसके बाद साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल, ये ऑकर्स होते ड्यू टू द असेंडिंग मॉइस्ट एयर एंड एडियाबेटिक कूलिंग कॉज बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द टू एक्सटेंसिव एयर मासेस, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन कन्वर्ज अलोंग द टाइम फ्रंट इज फॉर्म्ड। अब जो प्रेसिपिटेशन जो होता है एसोसिएटेड विद द वार्म फ्रंट इज़ वाइडस्प्रेड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, ऑन द अदर हैंड प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद द कोल्ड फ्रंट जो होते हैं इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ थंडर शॉवर बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है पोर्ट क्वेश्चन नंबर 41 का, सेंटर ऑफ द लो प्रेशर सराउंडेड बाय द मोर देन वन क्लोज आइसोबार आर वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। उसके बाद में जो डेवलप होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन आईसीटी बट सेल्डम डेवलप इन द ट्रेड विंड बेल्ट, दे डायरेक्शन एंड वेलोसिटी आर हाईली वेरिएबल, समटाइम्स दे स्टेशनरी एट द प्लेस इन सेवरल डे। उसके बाद में फ्रंटल इन्वर्जन क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, फ्रंटल इन्वर्जन एंड साइक्लोनिक इन्वर्जन इन द टेम्परेचर जोन में होते हैं, फॉर्म होते हैं ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द वार्म वेस्टर्न रिलीज एंड कोल्ड पोलर विंड इन द नदर्न एटमोसफियर, और ऑलवेज स्लोपिंग होते हैं। एंड वैली इन्वर्जन क्या दिया है इसके बारे में, ये सिचुएशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीवियर फ्रॉस्ट इन द वैली फ्लोर कॉज करता है ग्रेट डैमेज टू द फ्रूट ऑर्किड्स वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स वेयर इज द अपर पार्ट ऑफ द वैली आर फ्रॉस्ट फ्री वैली फ्लावर आर अवॉइडेड फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 43 पर आते हैं, हरमनटन, हरमनटन के बारे में, ये वार्म एंड ड्राई विंड होते हैं ब्लोविंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्ट टू वेस्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, जिसे हरमनटन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसे डॉक्टर्स विंड्स भी बोलते हैं, इन द गिनिया कोस्टल एरिया ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका साइड में होता है। सिरोको क्या है, मेडिटेरियन विंड्स हैं, समर सीजन में रहता है। एंड मिस्ट्रल क्या है, लोकल नेम है, विंड्स फ्लो फ्रॉम द अल्प्स और फ्रांस टूवर्स द मेडिटेरियन सी में यह बहता है। उसके बाद में 44 पर आते हैं, तो ये एक्सप्लेन किया था हमने 44, 45, 46, ये MEIS क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द पीरियड ऑफ द 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है। लॉन्च किया था इंसेंटिव स्कीम्स फॉर द एक्सपोर्ट गुड के लिए, ठीक है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी ग्रांटेड एज अ रिवार्ड अंडर द MEIS। अब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर द पेमेंट कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट इनपुट और गुड्स के लिए होता है, पेमेंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी ऑन द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ द इनपुट एंड गुड्स के लिए होता है, ठीक है। 47 यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 48 भी नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था टू कंट्रीज है स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। सो ये मैप में दिया है स्कैंडिनेवियन, और ये ठीक है, और ये जो लेथविया लिथुनिया एंड एस्टोनिया ये
बाल्टिक स्टेट है, ठीक है। सो ये भी ध्यान में रखना, ये यहाँ पे है, बाल्टिक सी के पास में है और ये नॉर्वे के पास में है। नॉर्वे एंड स्वीडन ये स्कैंडिनेवियन कंट्री। सो आप एक बार मैप देख कर इसे मतलब थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो कि मतलब कौन सा नॉर्वे सी कहाँ पे है, बैरेंट सी कहाँ पे है, गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया कहाँ पे, बाल्टिक सी कहाँ पे, नॉर्थ सी कहाँ पे। इससे भी अभी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे एक डैम बन रहा है, ठीक है। सो कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे आसपास में आपको पता होना चाहिए। अटलांटिक ओशन यहाँ पे है और यहाँ पे दो आइलैंड है, फेरा आइलैंड एंड शेटलैंड आइलैंड। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन से हैं, गूगल पे सर्च करके बताइए, ठीक है, किस कंट्री के ये आइलैंड है। डेनमार्क इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द स्वीडन एंड नॉर्वे, तो ध्यान में रखना। 50 पर आते हैं, द वोल्केनो इज प्लेस वेयर द गैसेस एसिड और मोल्टन रॉक लावा एस्केप होता है टू द ग्राउंड एंड मेंटल अटेंस वीकर जोन, जिसे एस्थोनोस्फीयर बोलते हैं। जो मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इसे मैग्मा बोलते हैं, एंड जो लावा ग्राउंड इंक्लूड होता है उसमें लावा फ्लो एंड पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी होते हैं। और कौन कौन से गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, सल्फर होता है, एंड मेजर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड एर्गन होते हैं। प्रोसेस क्या है फॉर्मेशन का, सबडक्टिंग प्लेट क्रिएट्स वोल्केनो एंड कन्वर्जिंग इन विच एट विच एटलीस्ट वन प्लेट इज ओशनिक एट द बाउंड्री हैव वोल्केनोज, ठीक है। सो 51 से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट उसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा इसी चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।